जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि CBI को पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा जाता है। पिछले साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि किस संस्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है MBBSC में, और उसी का जो रीज़न है वो किसी को पता नहीं था कि क्या रीज़न है और क्यों उसको कहा जाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो वेलकम टू गोपाला स्टडी विथ मस्ती यूट्यूब चैनल दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त गोपाला। हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। CBI मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा हल्का सा कि CBI सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न मामलों की जांच करती है, और यह केंद्र सरकार के अंडर में कार्य करती है। इस संस्था की व्युत्पत्ति मतलब ये कब स्थापित हुई, तो भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित की गई थी, और किस रूप में की गई थी, तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से इसकी उत्पत्ति हुई है या इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसको CBI के रूप में अभी तक कन्वर्ट हुई है। इसके वर्तमान में जो निर्देशक है वो ऋषि कुमार शुक्ला है। तो ये हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसके जवाब में हम जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन है कि पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि CBI केंद्रीय जांच आयोग को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, क्योंकि मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान CBI की जो कार्रवाई थी उससे खफा होकर इसे पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी थी, और यही रीज़न है कि इसे पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मेरे को इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिएगा जो कि इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे, कि पिंजरे में बंद तोता किस संस्था को कहा जाता है, और CBI किस क्षेत्र की जांच करती है, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा CBI के निर्देशक कौन है। सॉरी, टाइप नहीं हुआ सही से, लेकिन यहाँ पर निर्देशक कौन है। तो वो ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आप मेरे को एक कमेंट्स में नीचे लिखिए, और हम थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें और कमेंट्स करें। मेरे को जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के जवाब कमेंट्स में लिख के भेजें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।